हेलो फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अगर आप एक सीसीटीवी का बिज़नेस करते हैं या किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से कोटेशन बनाना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं प्रोफेशनल तरीके से और बिल्कुल आसानी से कोटेशन कैसे बनाना है वो आप लोगों को बताऊंगा। इस तरीके में आपको ना ही किसी तरह की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, ना ही GST कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। सभी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगी और बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से आपका कोटेशन बनेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं लेकर चलता हूँ मेरी मोबाइल स्क्रीन पर और वहीं पर जाकर आपको मैं सारी बातें समझा देता हूँ। दोस्तों ये कोटेशन बनाने का सारा काम आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए करना है। ये एप्लीकेशन मैं अपने मोबाइल पे ओपन कर चुका हूँ। इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक कंपनी प्रोफाइल है, मेक कोटेशन है, प्रीवियस कोटेशन है, सेटिंग्स है और कॉन्टैक्ट अस है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के डेवलपर से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी प्रोफाइल में जाइए। कंपनी प्रोफाइल में आप अपने कंपनी का डेटा ऐड कर दीजिए, आपका नाम लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए, GST रजिस्टर है तो GST नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालिए, एड्रेस डालिए, अगर वेबसाइट है तो नीचे वेबसाइट डालने का भी ऑप्शन है। ये सब करके आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए तो आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मेक कोटेशन पे, या तो सबसे पहले हम सेटिंग्स देखते हैं कि सेटिंग्स क्या है। तो सेटिंग्स में सिर्फ 3 ऑप्शन है। सबसे पहले लैंग्वेज का, तो इसमें 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। उसके बाद करेंसी है, तो करेंसी आप जिस कंट्री से, उस कंट्री की करेंसी आप सिलेक्ट कर दीजिए और कंट्री भी जिस कंट्री से आप है वो कंट्री सिलेक्ट कर दीजिए। बस 3 ही सेटिंग्स इसमें है, ज़्यादा सेटिंग्स इसमें है नहीं। अब मेक कोटेशन पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी जो आपने ऐड किया वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमर पे क्लिक करना है। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद ये सारे कस्टमर मैं ऐड करके रख चुका हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऐड कस्टमर पे जाइए। ऐड कस्टमर पे जाने के बाद कस्टमर नेम, या तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कस्टमर नेम है तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट का सिंबल दिखा रहा है उस पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी कस्टमर ऐड कर सकते हैं। कंपनी नाम डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, कंट्री और ज़िप कोड। उसके बाद ऐड कस्टमर पे क्लिक कर दीजिए तो आपका एक कस्टमर ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद यहाँ पर आपके जितने भी कस्टमर आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। इस पेंसिल वाले आइकॉन पर जाकर जब चाहे आप इस कस्टमर के प्रोफाइल को भी एडिट भी कर सकते हैं। अभी सब मान लीजिए आप इस कस्टमर के लिए कोटेशन बनाना चाहते हैं तो इस पर बॉक्स पर टिक कर दीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में जाइए। प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में ये सारे प्रोडक्ट मैं ऐड कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम आप ऐड कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पे रेड में ऐड प्रोडक्ट बता रहा है, उस पर क्लिक करिए। ऐड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नाम नेम डालिए, उसके बाद प्राइस डालिए, क्वांटिटी डालिए, यहाँ पे चूज़ क्वांटिटी, क्वांटिटी सेट या ऑर्डर। आपके अगर क्वांटिटी है, कैमराज है तो क्वांटिटी पे सिलेक्ट कीजिए, या ऑर्डर है जैसे वायर केबल है, मीटर में आपको देना क्वांटिटी देना है तो यहाँ पर आप मीटर भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है डिस्काउंट का, कितना परसेंटेज आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट डालिए, अगर नहीं दे रहे तो इसको खाली छोड़िए। अगर टैक्स लगा रहे तो कितना परसेंटेज, यानी 18% है तो 18% यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर आप टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं, GST रजिस्टर नहीं है तो सिर्फ इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर 18% ऐड करके बताता हूँ। तो ये होने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए कौन कौन से प्रोडक्ट आपको कोटेशन में ऐड करने हैं, उसको टिक कर दीजिए। टिक करने का टर्म्स पे जाइए। टर्म्स एंड कंडीशन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं बनाए तो ऐड टर्म्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप टर्म्स एंटर कर दीजिए, जैसे कि आप एडवांस कितना लेना चाहते हैं, आपकी कंपनी की क्या टर्म्स और कंडीशन है, एक एक करके यहाँ पर एंटर करके ऐड टर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो जो टर्म्स आपको ऐड करनी है उसको टिक कर दीजिए। उसके बाद आप प्रीव्यू पे जाइए। प्रीव्यू पे जाने के बाद इस तरह का आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए GST वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके मिलेगा, टोटल भी कैलकुलेशन करके मिलेगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बता रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है, डिस्काउंट आपने नहीं दिया तो 0 दिखा रहा है, टैक्स आपने डाला है तो टैक्स भी यहाँ पर बता रहा है और नीचे यहाँ पर टोटल भी आपको बता देगा, और जो टर्म्स आपने ऐड किए वो टर्म्स एंड कंडीशन भी नीचे यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद आप जनरेट PDF पे क्लिक करेंगे तो ये PDF आपका जनरेट हो जाएगा। ये PDF आपका जनरेट हो चुका है। उसके बाद शेयर PDF पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कस्टमर को शेयर भी कर सकते हैं, WhatsApp के ज़रिए या मेल के ज़रिए या Facebook के ज़रिए आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रीवियस कोटेशन का, जिसमें आपने जितने भी कोटेशंस
क्रिएट किए हैं वो कोटेशंस, प्रीवियस कोटेशन यहाँ पे सेव होते रहेंगे, जब चाहे आप इस पर क्लिक करके इसको शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपका और प्रोफेशनली कोटेशन आपका बनेगा, दिखने में भी बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा और आपको कोई कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके देगा। तो बहुत ही आसान है, डेट टाइम वगैरह कंपनी प्रोफाइल सब कुछ इसमें ऐड होके आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप कंपनी का अगर आपका लोगो है तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो आप कंपनी प्रोफाइल में ही जाकर डाल सकते हैं। ये जो ऐड सिग्नेचर है आप सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक पिक्चर या चूज़ फ्रॉम गैलरी करके आप कोई भी लोगो आपका यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इस कोटेशन का नाम है कोटेशन मेकर, आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए कोटेशन मेकर, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी।